वेलकम टू टेक्नोविद फ्रेंड्स, यहाँ आपको मिलते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए तैयार किए गए खास टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए टेक्निकल ज्ञान। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है टेक्नोविद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त और होस्ट संदीप कुमार शर्मा। कैसे हैं आप? आशा आप बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ एकदम अपने स्थान पर आनंद मंगल में होंगे, ऐसी कामना मैं करता हूँ। तो मित्रों, आज आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट हम लोग लेकर आते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार धासू प्रोडक्ट लेकर आए हैं। पुरानी यादें कुछ आपकी ताज़ा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आया है। हमने आपको पिछली बार टेक लोबी का एक रेडियो दिखाया था, टेक लोबी का, उससे पहले एक 5 बैंड का एक लोकल रेडियो भी दिखाया था। आज हम आपको एक आइबल कास्टर एफएम की तरफ से हमारे पास एक रेडियो आया है। जो इसके अंदर खासियत है वो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा उसके लिए वीडियो को आप देखें, आपको आगे पता लगेगी। सबसे पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, पूरी डिटेल हम आपको बाद में बताएंगे। ये बॉक्स है, मैंने इसको खोल लिया था सुबह, इसलिए खोला था क्योंकि देखना चाहता था मैं क्या क्या ये इस डिब्बे के अंदर, और कुछ नहीं है, बस खाली है ये। और ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके अंदर रेड कलर की बबल्स वाली थैली में पैक है। निकाल लेते हैं बाहर। ये इस तरह का प्रोडक्ट है, देखिए आपको दिख रहा होगा, आइबल कास्टर एफएम। अब हम बात करते हैं इसकी बनावट की। यहाँ पर सबसे, अब हम थोड़ा सा फीचर के विषय में बात कर लेते हैं। इसके अंदर आपको ब्लूटूथ मिलता है, USB मिलता है, और मेमोरी कार्ड भी आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा आप FM भी सुन सकते हैं, इसके अलावा आप AM भी सुन सकते हैं। और ये 9 बैंड का रेडियो है। हमने पिछली बार आपको 5 बैंड के रेडियो दिखाए थे, आज हम आपको 9 बैंड का रेडियो दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके अंदर खासियत क्या है, इसकी रेट मैं थोड़ी देर बाद बताऊँगा आपको। पहले रेट बताने के बाद फिर मज़ा नहीं रहता चीज़ का। मैं आपको उसका लिंक भी दूंगा, लिंक की शिकायत नहीं रहेगी आपको, अमेजोन से परचेज करने का लिंक भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर सामने इधर की साइड में और इधर की साइड में 2 डायनेमिक स्पीकर दिए गए हैं, बीच में कुछ डिज़ाइन दिया गया है, और यहाँ पर 1, 2, 3, 4 4 बटन पैनल पर दिए गए हैं सामने। यहाँ पर स्टेशन चेंज करने के लिए वो दिया गया है गैंग, और गैंग वो वाली दी गई है, फ्लिप्स वाली, जो मतलब फ्लिप्स के रेडियोज़ में होती है। उस गैंग का खासियत है कि जहाँ ये पूरा हो जाएगा वॉल्यूम की तरह रुक जाएगा, नहीं तो वो गैंग जो होती है उसमें जो सुई लगी होती है, जिससे कि पिछली बार एक कमेंट आया था कि माल जो सुई जो है वो जल्दी टूट जाती है, तो इसकी सुई टूटने का कोई डर नहीं है। ये बस यहाँ पर रुक गया, अब आप कितना भी करो आगे किसके का नहीं। इधर लेफ्ट की तरफ इसको घुमाएंगे, एकदम वॉल्यूम की तरह बढ़िया। और अब देखते हैं, हैंडल भी बड़ा शानदार है। इधर इस हैंडल के नीचे यहाँ पर एक बटन दिया गया है, एक ही बटन है, इसको लेफ्ट टू राइट हम करेंगे। ये इसमें करीबन 9 बैंड है। सबसे पहला हम एक बार स्लाइड करेंगे, एक बार स्लाइड किया, ब्लूटूथ मोड ऑन हो गया। यहाँ पर ये ब्लूटूथ मोड हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, ये FM है, लेकिन किसी भी जांच में बहुत ही अच्छी आवाज है, वजह का पता नहीं चला। देखिए कितनी शानदार आवाज है, वॉल्यूम इसे आगे के पैनल से ही बढ़ा सकते हैं। देवी भारती की कलाकारी को कभी भी कोई भुला ना सकेगा। सुनते रहिए रेडियो सिटी, मेरा नाम है पंकज जीना। वॉल्यूम कम करेंगे, थोड़ा पीछे चलेंगे, ये देखिए कितनी शानदार आवाज है इसकी। अपनी तरक्की की रफ्तार को SIB की शक्ति दे, हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा करें PS इन्वेस्टमेंट्स के साथ। PS इन्वेस्टमेंट्स, JNV कॉलोनी, बीकानेर। ग्लो हार्ट किचन अप्लायंसेस की वाइडेस्ट रेंज, आपके किचन की पहली जरूरत, गैस स्टोव्स एंड हॉब्स, किचन चिमनी। बेस भी डीप आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, FM बहुत शानदार बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, FM स्टीरियो है इसके अंदर, ड्यूअल स्पीकर है। जो मैंने पहले आपको रेडियो दिखाया था उसमें सिंगल स्पीकर था रेडियो, ये ड्यूअल स्पीकर रेडियो है। तो ये है, मैं आपको थोड़ा सिस्टम बता दूं, फिर इसकी बनावट बताएंगे ब्लाइंड भाइयों के लिए। यहाँ पर ये बटन देखते हैं, इस बटन को दबाते ही ये पॉज हो जाएगा, मतलब कि म्यूट हो जाएगा। वापस दबाएंगे, यहाँ पर इस बटन को दबाने से अभी कुछ नहीं होगा,
इसको दबाने से वॉल्यूम तेज होगा, इसको दबाने से वॉल्यूम कम होगा। इसको दबा के रखेंगे, वॉल्यूम एकदम कम हो गया। ठीक है, गाना नहीं चला सकते, कॉपीराइट लगेगा। अब हम बैंड चेंज करते हैं, आवाज खोलेंगे थोड़ी। अरे दरवाजा तोड़ दो। ये देखिए, ये बीकानेर लग रहा है, बहुत शानदार। इसमें वो सरसराहट की आवाज, वो देखिए थोड़ी बहुत तो जैसा कि मैंने आपको बताया रहेगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यह टीवी का और मशीनों का थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहता है। ये चार्जर वार्जर चलते हैं इस करके, ऐसा बैंड चेंज करेंगे, ये देखिएगा। बहुत ही शानदार ट्यूनिंग है इसकी, मुझे अच्छी लगी। अभी मैंने इसका एंटीना नहीं निकाला है, बैंड चेंज करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल भी जो उस उन एफएम्स में थोड़ी चीं चां की आवाज थी, बिल्कुल नहीं है। मेरे पापों को उसने उठाया, अभी तक मैंने एंटीना नहीं निकाला है, बता रहा हूँ आपको मैं। देखिए, ये अड़ தண்ணீரையோ ஆடு வாடுகளின் சிறு கலந்த தண்ணீரையோ கூட குடிக்கும். फिर बैंड चेंज करेंगे, एक बहुत सारे बैंड है इसमें। ये देखिए, उस एफएम वाली जो शिकायतें थी वो सारी दूर हो गई है इसमें। बिल्कुल भी ट्यूनिंग में गड़बड़ नहीं है, ये थोड़ा सा चरचर इसलिए कर रहा है। अगर आप अगर अपने घर पे चार्जर वार्जर चल रहे हैं तो उनको बंद कर दें तो ये ठीक ठाक सी रिस्पांस देता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका एक कोशिश करता हूँ इसको सही करने की। थोड़ा यहाँ पर ट्यूनिंग थोड़ी सही नहीं आएगी, क्योंकि एफएम चार्जर वार्जर कई चीज़ें चलती रहती है, इसलिए एक मिनट देखते हैं कुछ। मैं कोशिश करता हूँ, यहाँ ये ट्यूनिंग इसलिए गड़बड़ है क्योंकि कोई भी रेडियो आप चला के देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मशीनों का डिस्टर्बेंस रहता है। बाकी दिक्कत नहीं है, ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। मैंने आपको देख लीजिए शॉर्ट वेव में भी बिल्कुल चरचराहट नहीं आ रही जो उस उन रेडियोज़ में थोड़ी बहुत आपको सुनाई दे रही थी, तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी है इसमें। इसके अलावा मैं वो देखता हूँ ना, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके अभी हम आपको ब्लूटूथ वाला फंक्शन भी दिखाएंगे। अब हम इसको बनावट को देख लेते हैं। आगे मैंने सारा पैनल बता दिया, एक ही बटन दिया गया है इसके हैंडल के बीचों बीच बड़ा सारा, जिसका कि आप लेफ्ट टू राइट वो देखिए, एक कट कट की आवाज़ आएगी आपको। वन ये स्टार्ट हो गया, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, मतलब कि नाइन बैंड है इसके अंदर एफएम समय, ठीक है ना। तो ये है, अब पीछे की तरफ चलते हैं। साइडों में तो दो स्पीकर दिए गए हैं और इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पर भी कोई चीज़ इसमें दी नहीं गई, साइडों में तो कुछ भी नहीं है। चलिए पीछे की तरफ देखते हैं, यहाँ पर एक USB का पोर्ट दिया गया है, ये USB का पोर्ट है, यहाँ पर आप USB पेन ड्राइव लगा सकते हैं। यहाँ पर ये चार्जिंग का स्लॉट है, यहाँ पर एक पिन दी गई है, ये OX केबल है, और यहाँ पर ये इसका पैनल, इसमें आप सेल भी लगा सकते हैं, शायद ऐसा डिब्बा सा दिया हुआ है, मैंने खोल के नहीं देखा तो हो सकता है लगता हो। और यहाँ पर हवा निकलने के लिए एक बड़ा सारा छेद यहाँ पर दिया गया है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। और इधर देखें, यहाँ पर नीचे बड़ा शानदार बना हुआ है। और एंटीना देख लेते हैं, चलिए इसका, ये इसका एंटीना है, बड़ा ही टाइट और बॉडी बहुत जानदार है, उस उन रेडियो की बॉडी की अपेक्षा इसकी बॉडी बड़ी
ये देखिए इतना टाइट है कि ये निकल भी नहीं रहा मुझसे। ये देखिए ये इसका एंटीना है, एंटीना भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है, अच्छी रेंज का एंटीना है। और अभी हम एक बार गाने नहीं चला सकते मित्रों, प्रॉब्लम ये है, नहीं तो मैं आपको गाने सुनाता। FM की रेंज भी काफी अच्छी है इसकी। निम्स हॉस्पिटल अब राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में सूचीबद्ध। निम्स हॉस्पिटल जयपुर, अ यूनिट ऑफ निम्स। FM भी स्टूडियो बोल रहा है मित्रों। बस यहाँ इतने ही FM लगते हैं। बीकानेर FM की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। और इसके अलावा इसको एंटीना को बंद कर देते हैं। अब आपको इसका ब्लूटूथ साउंड सुना देता हूँ। हम अपने आईफोन से कनेक्ट करेंगे इसको, तो रुकिए एक बार ऑन कर लेते हैं इसको। ब्लूटूथ ऑन हो गया, ब्लूटूथ मोड। ऐसा रखता हूँ आपको सही से दिखे, नहीं ऐसे भी दिख जाएगा शायद। अब कनेक्ट हो गया, बिल्कुल टन की आवाज आई। अब हम 9:18 PM, one notification, button, night sky. What's that? 109, back button, 100, Sonu Sharma. अब आपको मैं कोई भी message, link, vertical scroll bar, 10 pages, 88, 78, 60, 58, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 1, 100. हाँ, तो अब मैं ये गाना चला लेता हूँ एक copyright, non-copyright sound का, देखिए. Message, link. Top 10 NCS songs 2022, सुनिएगा। ये ऐड आ रहा है। Video player, heading. देखिए हट गया ऐड, अब सुनिएगा। देख सकते हैं नॉन कॉपीराइट सॉन्ग है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नाम भी देख सकते, आवाज बढ़ाते हैं इसकी। यहाँ हमारे ये साउंड सुनिए, शानदार साउंड। तो ये ब्लूटूथ से चल रहा है, आप पेनड्राइव से भी चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ब्लूटूथ से चल रहा है तो पेनड्राइव से चलेगा ही, वो तो निश्चित ही है। आप कहेंगे तो मैं इसमें रिकॉर्डिंग शायद नहीं होती है। ब्लूटूथ मोड, इवन ब्लूटूथ मोड दबाया वे कट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। अब वापस से अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा अगर कोई दूसरा ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ प्ले करना है हमें, ये देखिए प्ले हो गया, शानदार साउंड स्टीरियो साउंड के साथ। OX केबल भी है तो आपके पास अगर कोई मोबाइल हो तो इसे एज ए स्पीकर यूज कर सकते हैं, अच्छी खासी पार्टी कर सकते हैं आप इससे। थोड़ा तेज करेंगे। Playing advert video player heading. The start of the year. Video player heading. ये तो आर के चलने लगे, रोकते हैं। Forwards 10 seconds. Button. रुकिए। इसको रोकते हैं, भगवान का पूजा कर, ये लगता है कुछ फिर पिलाता हूँ, बंद कर, वहाँ बैठ जाओ। क्या ब्लूटूथ मोड, 6 minutes, वीडियो प्लेयर हिटिंग, प्ले बटन, प्ले प्ले प्ले। हम थोड़ा इसको दूसरा लगाते हैं कोई गाना। Video player, hit it. Video player, hitting. What's up? One new item. Page 2 of 3, files. YouTube music. YouTube music से हम कुछ चलाते हैं। YouTube music, collapse player. गाना तो नहीं चला पाएंगे। Collapse player. Copyright music ही चलाते हैं। Double tap to search. Non-copyright. Text field. Is that in it? Back. Button. N. C. D. D
S space M U S I C search. Search. अब देखते हैं, सुनते हैं. Back, but top 100 NCS songs 2006 back. ये देखिए कोई भी गाना अपने energy, energy. देखिए. नॉन कॉपीराइट म्यूजिक है ये भी, कोई दिक्कत नहीं है. गाना भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम ऐसे तेज करेंगे. अच्छा नेक्स्ट प्रीवियस भी इसी से होगा. अगर आप वन टाइम प्रेस करेंगे तो ये देखिए, जैसे ये प्रीवियस हो गया, इधर प्रेस करेंगे तो ये हो गया नेक्स्ट, और इनको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम या ज्यादा होगा. चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की. ये बहुत ही अच्छी प्राइस में है मित्रों, और ट्यूनिंग बिल्कुल भी किसी से कम नहीं है. आप इसके अगर ट्यूनिंग का कहेंगे तो मैं एक अलग से इसको वीडियो बना के दूंगा आपको, बिल्कुल जल्द ही बना के दूंगा आपको, इसकी ट्यूनिंग दिखाऊंगा कितनी शानदार है, निश्चिंत रहिए. तो ताकि आपको अच्छे से समझ आए सारी ट्यूनिंग आपको टेस्ट करवा के एक एक चैनल की. मतलब कुछ तो देखो मीटर्स का फर्क पड़ता है और कुछ आसपास के वातावरण, आप समझते हैं रेडियो का मामला. लेकिन FM बहुत अच्छे से बजता है, और अपना क्या बोलते हैं नो बैंड है, तो कई बैंड अलग, नो बैंड में क्या होता है अलग ही होते हैं, वो शॉर्टवेव के हैं लेकिन उनको अलग अलग पार्ट में विभक्त कर दिया जाता है. तो वही बात है, अगर एक ही घर में हम काफ़ी लोगों को इकट्ठा करें और अलग अलग घर में लोगों को इकट्ठा करें तो फ़र्क पड़ता है. तो उसी प्रकार से इसमें अलग अलग बैंड विभाजित कर दिए गए हैं, तो उससे क्या है कि अलग अलग बैंड पर थोड़े थोड़े स्टेशन लगते हैं, जिससे कि एकदम साफ आपको ट्यूनिंग सुनाई देती है. जैसे देखते हैं यहाँ पर हम FM को जैसे मैंने चलाया, एक मिनट ये देखिए, चेंज करेंगे ये देखिए, अलग 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 जगह पर अलग अलग स्टेशन लगेंगे ताकि आपको ट्यूनिंग में प्रॉब्लम नहीं हो. ये मैंने एंटीना नहीं निकाल रखा है इसलिए. Like, and you know, you look at Guamau in 2011, you look up at the sky and you have the CCTV mm-hmm. tower and one or two buildings, you know, and that was it. And or change karte band. तो अच्छी ट्यूनिंग है. ये सब डिस्टर्बेंस है इसकी, 95 किलोहर्ट्ज़ पर 10 बजे से लेकर 11 बजे तक शॉर्ट वेव 9450 किलोहर्ट्ज़ और 11650 किलोहर्ट्ज़ पर, रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मीडियम वेव 1422 किलोहर्ट्ज़ और 11660 किलोहर्ट्ज़ पर. और चेंज करते हैं बैंड, थोड़ा वॉल्यूम कम करते हैं इसका. ये देखिए, दोस्ती चैनल CRI की नशरियात में आप भी शामिल हो सकते हैं. ईमेल कीजिए ठीक है. ये तो जैसा रिसेप्शन होगा
पैसा आएगा इसमें। ये देखिए ये मीडियम, इससे अच्छी अब क्या ट्यूनिंग होगी बताइए। गाना नहीं चला सकेंगे, क्षमा प्रार्थी हूं मैं, मुझे डरना पड़ रहा है गाना चलाने के लिए। ये देखिए ये मीडियम की ट्यूनिंग है साहब, थोड़ा तेज करेंगे, मेरे को थोड़ा इसका एंगल घुमाना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्यूनिंग है, थोड़ा कम करेंगे और चेक करते कुछ। ये देखिए, ये देखिए, कितनी शानदार ट्यूनिंग है मीडियम की। और देखते हैं एक ये, चलिए ये ट्यूनिंग है इसकी कुछ, तो आपको बताइएगा कैसा लगा। अब हम वापस इधर घुमा लेते हैं इसको। तो हम ये देख रहे थे, तो ये हैंडल भी बहुत अच्छा है, शानदार है, कोई भी कमी नहीं। अब इसकी प्राइस की बात करते हैं। इसकी प्राइस आपको अभी बताता हूँ, करीबन 1300 रुपीज़ है और बहुत ही शानदार है। देखिए रेडियो तो आप कैसा भी ले आइए, ट्यूनिंग तो ऐसी रहेगी। मैंने फ्लिप्स का रेडियो भी देखा था अभी, तो उसकी भी ट्यूनिंग ऐसी ही है। तो मतलब हाँ, अब देखिए खाली रेडियो ही पर्टिकुलर होता है, इसके अंदर FM नहीं होता है, तो फिर उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, लेकिन फिर भी ट्यूनिंग लाजवाब है। आप FM की तरफ देखिए, FM, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर खासियत क्या है कि अच्छी बैटरी है। बैटरी मैंने देखी नहीं कितनी चलती है, वो भी आपको अगर आप पूछेंगे तो मैं ज़रूर बता दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आप जब मैं देख लूंगा। दो स्पीकर दिए गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेडियो हमेशा सिंगल स्पीकर ही आते हैं, लेकिन ये दो स्पीकर का स्टीरियो रेडियो है। तो देखिए मीडियम में शॉर्टवेव तो कभी स्टीरियो आते नहीं है, तो उनके विषय में तो कह नहीं सकता। बाकी FM स्टीरियो बोलता है इसमें, ये मैंने अभी देखा है। और बाकी ब्लूटूथ USB वो तो स्टीरियो बोलते हैं। यहाँ पर शायद मेमोरी कार्ड लगता है इसमें, आप मेमोरी कार्ड लगाकर भी इसे चला सकते हैं, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। लेकिन वैसे भी मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। अब आपकी रिव्यू आप बताएंगे कैसे, हम मेरा उद्देश्य आपको कुछ नई चीज़ों की जानकारी देना। अब ये चीज़ें प्रोडक्ट तो वो बनाने वाले बनाते हैं, उनमें क्या कमी रहती है क्या नहीं वो तो आप बताएंगे। पहली झलक में मुझे चीज़ अच्छी लगी, तो मैंने सोचा आपके साथ इसको रिव्यू को शेयर किया जाए। iBellcaster FM नाम है इसका, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जिस किसी को परचेज करना हो, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी हो, करें, अच्छे से सुने इसको। और फिर अगर आपको और भी अगर ट्यूनिंग के विषय में देखना है, तो मैं कोशिश करूंगा एक इसकी पर्टिकुलर ट्यूनिंग पर वीडियो बनाएंगे हम, कि इसकी ट्यूनिंग वास्तव में है कैसी। यहाँ पर तो चार्जर वार्जर का काफ़ी सारी समस्याएं रहती है, इसलिए अभी कैमरा यहाँ सेटअप है, इसलिए मैं कहीं बार भी नहीं ले जा सकता, नहीं तो बार आपको टेस्ट करा था। लेकिन हाँ, इसकी ट्यूनिंग जरूर टेस्ट कराऊंगा आपको एक बार फिर से। सुबह मैंने सुनी थी, अच्छी ट्यूनिंग थी इसकी। तो ये चीज़ें हैं, तो अमेज़न का लिंक आपको दे दूंगा। iBellcaster FM 9 बैंड रेडियो, USB ब्लूटूथ और OX केबल के साथ, और रिचार्जेबल बैटरी भी इसमें है। तो आप इसे नॉर्मल अपने जो कौन सी केबल, ये जो केबल आती है ना RD3500 नॉर्मल केबल, उसमें आप इसको लगाइएगा और यहाँ पर इसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, आशा आपको मेरी बात पसंद समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ रिव्यू गड़बड़ हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ, अब कई बार हो जाता है, कोशिश तो हम अच्छी करते हैं। अब आपको एक टेप रिकॉर्डर भी दिखाऊंगा भाई, मेरे पास एक टेप रिकॉर्डर मुझे मिल गया है कहीं से, तो वो भी आपको जरूर जल्दी दिखाऊंगा, तो आपको बहुत मज़ा आएगा वो टेप रिकॉर्डर देखने में। बहुत ही अच्छा है, अभी तक बहुत अच्छे से चल रहा है, वो सुरक्षित पड़ा है मेरे पास। पंच रोलर सब एकदम ज़बरदस्त है उसके। मैंने कहाँ रखा उसको पता नहीं, मैं आपको दिखाता उसको, लेकिन मैं थोड़ा आपको कल या परसों तक उसे ज़रूर दिखाऊंगा, तो जब भी वीडियो बनाऊंगा। तो
बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।